अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। रावामंडी शारपुर मार्ग पर स्थित जोहल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन WWE चैंपियन द ग्रेट खली ने अपने कर कमलों के साथ किया। इस अवसर पर अस्पताल के MD डॉक्टर VS जोहल भी मौजूद थे। रक्तदान शिविर में अस्पताल के सभी स्टाफ ने हिस्सा लिया। डॉक्टर VS जोहल ने ग्रेट खली का फूलों के बुके देकर स्वागत किया। डॉक्टर VS जोहल ने सभी को एक एक पौधा भी दिया, ताकि सभी पौधारोपण करके वातावरण को स्वच्छ रखें। डॉक्टर VS जोहल ने कहा कि हम सबको अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहिए, ताकि वातावरण स्वच्छ रहे और बीमारियों से बचाव हो। अब जोहल अस्पताल में एक महाखून का कैंप लाया गया, जिसका उद्घाटन का ग्रेट खली वालों किया गया, और असं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उन्होंने एक सर्टिफिकेट के नाल एक पौधा भी दे रहे हैं, जेडे कि अगले असं चाहते हैं कि पंजाब का जो वातावरण बचा रहे, पानी का लैवल उपर आए, तो खूब सारी बारिश हो गई। सो इसलिए असी हुण तो लैके अगले डेढ़ महीने में जिन्हें भी ब्लड डोनेट करेंगे, सारे एक एक बूटा देंगे, और उन्होंने बेनती भी करा कि वो इस बूटे को पालन, ताकि 4-5 साल में दरख्त बन के साडे वातावरण को बचा सके। ग्रेट खली ने कहा कि जिस तरह पानी का स्तर कम हो रहा है, हम सबको चाहिए कि पानी की बर्बादी को रोका जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी की किल्लत से जूझना ना पड़े। हाँ जी सर, आज का जड़ाई में ब्लड डोनेट कैंप का इससे ज़्यादा जो ब्लड डोनर का जो कैंप लगाया है, मैं चाहूँगा कि ऐसा लगना चाहिए, हर जगह लगना चाहिए, हर हॉस्पिटल को लगवाना चाहिए, जैसे डॉक्टर जोहल ने लगवाए हैं, और जैसे आजकल सीजन है एक बूटे लगाने का, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बूटे लगा रहे हैं, बूटे उनको दे रहे हैं कि भी आप एक बूटे के मतलब लगाओ और उसके पोषण करो, ताकि आने वाले टाइम में हमारे हिंदुस्तान पंजाब हरा भरा रहे। एनकाउंटर जलंधर से BNA की रिपोर्ट।